हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ अपने किचन रेसिपी किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो है हेल्दी चाउमीन। घर में हेल्दी चाउमीन बनाने के लिए बहुत सी मम्मी आलस करती हैं और मार्केट से मंगवा लेती हैं, बट मार्केट का तो मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। पता नहीं कैसे लोग खाते हैं, इतना स्पाइसी होता है पहले तो कि एक स्पून खाने में ही पानी ढूंढने लगो और खा नहीं सकते, पेट भर तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। बट आप अगर घर में बनाएंगे तो आप पेट भर चाउमीन खा सकेंगे। और मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी ताकि आपकी मुश्किलें हो जाए आसान और आप भी घर में हेल्दी चाउमीन बनाएं। जी हाँ, देर न करते हुए आइए वीडियो स्टार्ट। इसके लिए देखिए, मैंने लिया है ऑनियन एक बड़ी ली है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। दो हरी चिली मैंने लिया है, इसको लंबे लंबे कट कर लिए हैं। और मैंने हाफ कैबेज लिया है, इसको भी बारीक कट कर लिया है। एक मैंने कैप्सिकम लिया है, इसको भी बारीक कट किया है। वन कैरेट, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से कट करके सारी सब्जियां मैंने वॉश कर लिया है। आइए अब चाउमीन देखते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा लिया चाउमीन एक कंटेनर में, इसमें मैं पानी डालूंगी और एक चम्मच रिफाइंड डालूंगी। अब पकने के लिए रख देती हूँ। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। मैगी बिल्कुल पक गई है, देखिए बिल्कुल अलग अलग सी है चाउमीन हमारी, ये देखिए। अब इसको हम निकाल के और धुल लेंगे ठंडे पानी से, और इसको निकाल देंगे अलग कि सारा पानी इसका निकल जाए। ये देखिए, मैंने सारा पानी निकाल दिया और एक जाली में रख दिया है ताकि एक्स्ट्रा पानी जो भी हो निकल जाए और चाउमीन हमारी बिल्कुल सूखी सूखी हो। फ्रेंड्स, से बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा, जरा सा भी आपको फर्क नहीं लगेगा कि हाँ इसको हमने घर में बनाया है। तो मार्केट में तो अब जान ही रहे हैं, COVID-19 के दौरान हमें कुछ भी नहीं खाना है। मैं तो खैर कुछ भी नहीं खाती हूँ, जब भी मेरे बच्चे मांगते हैं मैं उनको यही बना के देती हूँ। मेरा भी मन करता है तो मैं अपने घर में ही बनाती हूँ, घर का बना ही सब कुछ खाती हूँ। फिर आइए बनाना भी स्टार्ट करते हैं। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, अब मैं इसमें थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ऑनियन। मैंने सारी ऑनियन डाल दिया इसमें, लाल मिर्च, हरी मिर्च जो भी आपको डालना है सारा डाल सकते हैं। ये मैं 2 मिनट के लिए इसको मैं मिक्स करूंगी। इसको ज्यादा लाल नहीं करना है क्योंकि हम सब्जी नहीं बना रहे, इसमें थोड़ा सा हम दो से तीन मिनट तक ही हम इसको भूनेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे जो सारी सब्जियां हमने काट के रखी है, ये डालेंगे हम। अब इसमें गाजर डाल देते हैं, अब सब कुछ साथ में डाल देंगे और बराबर से इसको मिक्स करते हैं। मैंने इसमें 2 बड़े टमाटर भी कट किया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। बारीक आप कट करोगे तो अपने आप उसी में सब्जियों के साथ में ही टमाटर भी पक जाता है, ये देखिए। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, साथ में आप नमक भी डाल दीजिए। मैंने बॉयल करते समय इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि मतलब दोनों बराबर लगे, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं नमक ज्यादा ना हो जाए। इसको अच्छी तरीके से भूनते हैं, नमक भी डाल देते हैं और इसको 2 से 4 मिनट के लिए ऐसे भूनते हैं। लग रहा है ना फ्रेंड, बिल्कुल मार्केट जैसा आप देख सकते हैं। और घर में बनाएंगे तो आप हेल्दी भी बनाएंगे, मार्केट में तो जल्दी जल्दी उनको करना रहता है तो कैसे वॉश करते हैं कैसे नहीं करते वो हमें नहीं पता ना, तो हम अपने अनुसार अगर घर में बनाते हैं तो अच्छे तरीके से इसको वॉश करके ठीक करते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी
सहजवान की चटनी, ये देखिए सहजवान की चटनी, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं इसमें 2 चम्मच सहजवान की चटनी डालूंगी। आप एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप भूल जाओगे मार्केट से चाउमीन मैगी ये सब खाना ही भूल जाओगे, घर में बनाओ। और ज्यादा कुछ मैंने इसमें डाला भी नहीं है। ये देखिए अब मैं इसमें डाल दूंगी चाउमीन और इसको अच्छे से मैश करते हैं। इसको आप जल्दी जल्दी मैश करिए, मिक्स करिए। ये देखिए देखिए फ्रेंड बनके तैयार हो गया। ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, कम से कम मतलब पूरा आपको टाइम बनाने में लग जाएगा 15 मिनट। घर में अच्छे से बन जाता है, तैयार हो जाता है और सब लोग खाइए। मार्केट से आप 20 रुपए का 30 रुपए का लाते भी हैं और समझ में भी नहीं आता कि मैंने कुछ खाया भी है। कम से कम इसको आप बनाओगे और घर में सब लोग भरपेट खाओगे, बहुत ही हेल्दी है। ये देखिए अब मैं इसमें सॉस डाल दूंगी। केचप इसमें डाल सकते हैं, हमने मैगी का लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप डाल सकती हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है तो डालिए वरना रहने दीजिए। मेरे बच्चे को तो बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए मैंने डाल दिया। देखा ना फ्रेंड कितना आसान है बनाना और क्या कमी है इस चाउमीन में, घर की चाउमीन में। तो फ्रेंड्स मैं आप उम्मीद करती हूँ ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।